हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ हम लोग बात करेंगे आज हीरो फ्लैश एलेक्स मॉडल के बारे में। तो गाइज़ हम लोग बात करें इसके एक शोरूम प्राइस की। तो गाइज़ मऊ में इसका एक शोरूम प्राइस है 40,000 ओनली। तो गाइज़ ये सबसे बेस्ट वेरिएंट है और गाइज़ हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। तो गाइज़ बने रहिए वीडियो के साथ। और गाइज़ इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और गाइज़ शेयर करें दोस्तों। तो गाइज़ बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइज़ फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है इस स्कूटर का, रेड एंड ब्लैक का, और इलेक्ट्रिक का यहाँ पे आप स्टिकर देख सकते हैं वाइट कलर का। तो गाइज़ हम बात करें इसके और फीचर्स के बारे में। तो आप यहाँ पे एलईडी के हेडलैम्प देख सकते हैं और एलईडी के टर्न इंडिकेटर्स इसमें दिए जा रहे हैं। और उसके नीचे आएंगे तो आपको हीरो की बैजिंग दी जा रही है सामने की तरफ। तो गाइज़ ये कलर आपका रेड कलर का है और इस वेरियंट में आपको तीन कलर का ऑप्शन आता है दोस्तों, रेड, वाइट एंड ग्रे कलर का। तो गाइज़ यहाँ पे लेफ्ट साइड व्यू में आप देख सकते हैं हीरो की यहाँ पे बैजिंग दी गई है। तो गाइज़ हम बात करें इसके टायर्स के बारे में। तो 12 इंचेस के फ्रंट और रियर के दोनों टायर सेम हैं और मैग अलॉय के साथ ये टायर्स आते हैं। और हीरो का यहाँ पे बैजिंग देख सकते हैं सस्पेंशन के ऊपर जो टेलीस्कोपिक है, और ड्रम ब्रेक्स आप देख सकते हैं। तो गाइज़ सामने का लुक आप कुछ लेफ्ट व्यू आप देख सकते हैं और काफ़ी स्पेस है इसमें, आप आराम से एक सिलेंडर और बैग रख सकते हैं। और गाइज़ लेफ्ट व्यू की बात करें पीछे की तरफ, तो इसमें आपको हीरो फ्लैश एलेक्स की बैजिंग देख सकते हैं, 3D बैजिंग दी गई है और उसके बगल में की दिया गया है सीट को ओपन करने के लिए। तो गाइज़ हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर की, तो इसमें आपको हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स और उसके नीचे आपको यहाँ पे येलो कलर का हॉर्न दिया गया है। तो गाइज़ हम बात करें इसके और फीचर्स के बारे में, तो इसमें आप देख सकते हैं जो इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है टोटली आपको डिजिटली दिया गया है, और बैटरी कैपेसिटी कितनी चार्ज है, और इसमें आपको मीटर्स दिया गया है, ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर है। और गाइज़ यहाँ पर आपको राइट की बात करें तो इसमें आपको हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने का बटन भी है और उसके नीचे आप देख सकते हैं चार्जिंग का ऑप्शन है। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप इसमें मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और पॉकेट में रख सकते हैं नीचे जो दिया गया है, 5-6 लीटर का पॉकेट है सामने की तरफ। तो गाइज काफ़ी अच्छी बाइक है और माइलेज की बात करें हम इसके तो 50-60 किलोमीटर आप फुल चार्ज में चला सकते हैं। और बैटरी दी गई है इसमें लीड एसिड की, जिसको चार्ज करने के लिए आपको 4-5 घंटे चाहिए, तो आप आराम से इसको 25-30 का स्पीड अप में आप चला सकते हैं दोस्तों। तो गाइज हम और स्पेस को और डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि आगे कितना स्पेस है। तो देखिए मैं बैठा हूँ सामने की तरफ और सामने की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस आप देख सकते हैं, और उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि और भी स्पेस है और मैं आगे कुछ और भी सामान रख सकता हूँ। तो स्पेस के मामले में ये स्कूटर काफ़ी अच्छा लगा मुझे और नॉर्मल यूजेस के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। और बात करें हम इसके सीट्स के बारे में, तो सीट्स में आपको राइडर और पिलियन का सीट दोनों सेम दिया गया है, उसके कसन काफ़ी सॉफ्ट हैं। और बात करें इसके हम अंडर सीट कवर की, तो इसमें आप आराम से एक चार्जर रख सकते हैं और कुछ और डॉक्यूमेंट्स और अपना हेलमेट आराम से इसमें रख सकते हैं। और ये बटन आप देख सकते हैं, इसमें आप बैटरी को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपकी बैटरी का पावर सेव रहेगा। और मोटर्स इसमें आपको काफ़ी हैवी दिया गया है, BLDC का 250 वाट का मोटर है इसमें दोस्तों, और M01D ये मॉडल है जो सबसे बेस वेरिएंट है हीरो की तरफ से, हीरो फ्लैश एलेक्स का, वो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, कोई भी सामान वगैरह आप पीछे यहाँ पर बांध के आराम से मार्केट में जा सकते हैं और नॉर्मल यूज कर सकते हैं इस स्कूटर का। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे LED के टेल लैंप हैं और बल्ब के इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, और रिफ्लेक्टर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों की तरफ दिया गया है इस स्कूटर में। और पीछे का सस्पेंशन आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। तो गाइज़ ये था हमारा हीरो फ्लैश एलेक्स मॉडल का जो बेस वेरियंट है उसका रिव्यू। तो गाइज़ और भी वीडियोज़ के रिव्यू पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें दोस्तों। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइज़।